आपने वैसे बर्गर तो बहुत खाए होंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के, लेकिन आपने क्या ऐसे देसी बर्गर खाया है? शायद नहीं खाया होगा। दोस्तों आप ये तवा टिक्की बर्गर की रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करके देखना। इसमें सारे देसी फ्लेवर हैं और अपना देसी पाव है, साथ में आलू की टिक्की है, बिल्कुल अलग सी, सिंपल सी एकदम, और बहुत जल्दी बन जाता है। दोस्तों इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो तवा टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चटनी बना लेते हैं। सिंपल चटनी है, आप इसको आराम से बना लोगे। मैंने यहाँ पर 5-7 कश्मीरी लाल मिर्च ली है और उनको एकदम गरम गरम उबलते हुए पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है लगभग 10-15 मिनट के लिए, और 10-15 मिनट में ही हमारे यहाँ पर आलू की टिक्की भी बन जाएगी इतनी स्पीड में। तो आपने 4 उबले हुए आलू लेने हैं और सबसे पहले आप उनको क्रश कर देना अच्छे से। आप हाथों से भी कर सकते हो, मैंने ऑब्वियसली वीडियो के चक्कर में इसको पाव भाजी वाले मैशर से या पोटैटो मैशर से क्रश कर दिया है, आपके ऊपर है, चिंता मत करना। अच्छा, फटाफट से आलू से मॉइस्चर कम कर लेते हैं। अब वैसे तो आलू से मॉइस्चर कम करने के लिए कोई बाइंडिंग एजेंट डाला जाता है, जैसे कि अरारोट, चावल का आटा या कोई स्टार्च किसी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा रास्ता लेते हैं, हम आलूओं को भून लेते हैं। मैंने अपने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। थोड़े से तेल में आपने शुरुआत में यहाँ पर जीरा डालना है, और जीरा चटकना चाहिए फ्लेवर के लिए, ध्यान देना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर सरसों डाला है और मूंगफली। मूंगफली हमारे बर्गर में एक टेक्सचर देगी, हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी हमारी टिक्की में। तो इस मूंगफली को जरूर हल्का सा रोस्ट कर लेना, जीरा और सरसों ये भी रोस्ट हो जाएंगी। फिर आपने कटी हुई लहसुन डालनी है, लगभग 2-3 लहसुन की कलियां हैं ये। साथ में मैंने एक हरी मिर्च को एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। यहाँ पर मैंने इसके साथ 1 इंच अदरक घिस के भी डाली है, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं ताकि अदरक का कच्चापन बिल्कुल ना रहे। इसके बाद आपने यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना है, लगभग 1/2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर को आप इसी टाइम पर डालना ताकि हल्की सी रोस्ट जरूर हो जाए, हल्की सी रोस्ट होनी बहुत जरूरी है। बस फिर क्या, अब आपने यहाँ पर आलू डालने हैं और आलू को इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिला देना है। और हाँ, आलू के साथ नमक डालना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो टिक्की के अंदर टेस्ट कैसे आएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। नमक डाल के आप नोटिस करोगे कि आलू अपना मॉइस्चर हल्का सा छोड़ना शुरू करेंगे और ये मैश होने लग जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भुनने की वजह से आलू में मॉइस्चर जो है वो कम होने लग जाएगा। जब आलू अच्छे से मैश होने लग जाए, भुन जाए अच्छे से, आप यहाँ पर एंड में फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालना और इसको अच्छे से मिला देना। अब जब मैंने इसको खा कर देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि इसमें नमक थोड़ा कम था, तो मैंने नमक डाल दिया है। और एंड में आप यहाँ पर आमचूर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि हल्का सा खट्टापन जरूर आए। दैट्स इट, यही था आपका टिक्की का मसाला, बस इतना सिंपल, इतना इजी। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, फटाफट से चटनी बनाते हैं। चटनी बनाना बहुत आसान है। मैंने सारी मिर्चियों से पानी ड्रेन आउट कर दिया है, उनको अपनी मिक्सी में डाला है और इसमें आपने भर कर डालना है लहसुन। जी हाँ, लहसुन और मिर्च की चटनी होती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। इसमें लगभग मैंने 1 पूरा लहसुन डाल दिया होगा इसमें, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर नमक डालना, खटास के लिए टमाटर डालेंगे और टमाटर पानी भी इंट्रोड्यूस करेगा ना इसमें। आप चाहो तो आप इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हो, पुदीना भी डाल सकते हो, ऑब्वियसली चटनी का फ्लेवर तो और एनहांस ही होगा ना। और बस आप इसको अच्छे से ग्राइंड करना, पानी मत डालना, कॉन्सेंट्रेटेड ही रखना, अगर बहुत जरूरत पड़े तभी आपने पानी डालना। अब बस आपको कुछ कुछ ऐसी चटनी मिल जाएगी, दैट्स इट। चटनी भी तैयार है, फटाफट से टिक्की बना लेते हैं। आलू भी ठंडे हो गए हैं। टिक्की के लिए सबसे पहले आपको पाव चाहिए होंगे, पाव को तोड़ लेते हैं ताकि हम टिक्की बिल्कुल पाव के हिसाब से साइज बनाए। तो अब ये देखो, मैंने एक एक टिक्की को नाप लिया है पहले कि भैया मेरे पाव में फिट आएगी नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो उस हिसाब से आप बना लेना। बस एक करके मैंने यहाँ पर सारी टिक्की को रोल आउट कर दिया है अच्छे से, एकदम इवन करके अच्छे से आप रोल आउट कर देना ताकि दोनों साइड फ्लैट हो, जब हम तवे पे पकाएं तो सही तरीके से पक पाए। और ऐसे मैंने साइडों में रोल कर दिया है और एक एक करके आपकी सारी टिक्की तैयार हो जाएगी। एक लास्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्याज और टमाटर और डालेंगे ना हमारे बर्गर में, तो आप प्याज को एकदम फाइन स्लाइसेस में कर देना, जितना फाइन आप कर सकते हो उतने फाइन स्लाइसेस में कर देना। और रही बात टमाटर की, तो उनको भी ऑब्वियसली फाइन स्लाइसेस में करना है ना, ऐसे टमाटर रखेंगे तो लुक तो तभी आएगी ना, खाना सिर्फ खाने में नहीं बल्कि दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, सही बात है ना दोस्तों? और थोड़ा सा अपना उंगलियों को बचा के करना, नहीं तो ऐसे स्लाइस करने में कई बारी उंगली भी कट जाती है। तो आप ये लच्छों को पहले अलग कर लेना प्याज के, टमाटर तो अलग ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सीधा ही तवे पे चलते हैं। तवे पे आपने थोड़ा सा तेल लगाना है और पहले टिक्कियों को थोड़ा पका लेते हैं।
टिक्की एकदम फटाफट तैयार हो जाती है। गरम गरम तेल में आपने ये करके टिक्की पकानी है और आपने दोनों साइड इनको अच्छे से पकाना है। तो आप 2 मिनट तक एक साइड पर पकाना, बट हाँ ध्यान देना कि इस टिक्की को आप ज्यादा फ्लिप नहीं कर सकते, ज्यादा टर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बाइंडर ही नहीं है, जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ज्यादा टर्न करोगे तो आलू की टिक्की टूट जाएगी, डेलिकेट सी है। तो ज्यादा स्टर बिल्कुल भी नहीं इसको करना। इसको 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पकाना है, फिर इसको पलट देना आप आराम से बिल्कुल ध्यान से, और फिर 2 से 3 मिनट आपने दूसरी साइड पकाना है। और दूसरी साइड में भी जब हल्का सा टेक्सचर आ जाए, कलर आ जाए, बस टिक्की भी तैयार है। एकदम सिंपल फास्ट, बिल्कुल आराम आराम से करना काम, ज़्यादा जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे तो टिक्की टूट जाएगी और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे भरत भाई बन नहीं पाई बिल्कुल भी। तुम्हारी टिक्कियाँ हो गई, अब लास्ट चीज़ हमारे बन भी तैयार कर लेते हैं स्पेशल तरीके से। बन तैयार करने बड़े आसान है। ऑब्वियसली बन को सॉफ्ट करने के लिए आपको हल्का सा मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा, और हम अपनी चटनी को भी थोड़ा सा पका लेंगे इस चक्कर में, क्योंकि चटनी जो है वो बड़ी स्पाइसी है। अब ये चटनी अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो सुपर स्पाइसी है, लेकिन जब ये पाव में जाती है ना बिल्कुल बैठ जाती है। पाव जो है इनकी स्पाइसीनेस को बिल्कुल बिठा देते हैं कि आपको ज़्यादा स्पाइसी ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। अब मक्खन जैसे ही हल्का सा पकने लग जाए, आपने 2-3 चम्मच यहाँ पर चटनी डालनी है, और फिर आप इसके पाव में इसको लोट पोट कर लेना अच्छे से इस चटनी में। और हाँ, थोड़ा सा धनिया डालना बिल्कुल मत भूलना, धनिया तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेशनेस देता है ना। पाव जितने फ्रेश हों उतने मज़ेदार होते हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना दोस्तों। और बस हमारे पाव भी ऐसे गर्म हो जाएंगे। अब फटाफट से असेंबली करते हैं इस बर्गर की। पाव एकदम गर्म गर्म है। गौरमे बर्गर्स की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन नॉर्मली जब हम पाव, इनफैक्ट बर्गर डिजाइनिंग करी जाती है, तो ये ध्यान दिया जाता है कि बर्गर की जो इंटेग्रिटी है, जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, वो बिल्कुल लंबे टाइम तक मेंटेन रहे। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बर्गर में जानबूझ के जो बॉटम बेस होता है, जो नीचे वाला जो बन होता है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं रखा जाता, सिर्फ टिक्की रखी जाती है। आप नोटिस करना, जो टॉप वाला बन होता है उसमें सबसे पहले मेयोनीज डाली जाती है, और फिर आते हैं जो हमारा सैलेड होता है, जैसे कि प्याज, खीरा, टमाटर, कुछ भी जो सैलेड होता है, बेसिकली एक मॉइस्चर बैरियर होता है टिक्की और मेयोनीज के बीच में, ताकि जो हमारी जो टिक्की है वो सौगी जल्दी से बिल्कुल भी ना हो, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। छोटी सी बात है दोस्तों ये, लेकिन बर्गर का टेस्ट, फ्लेवर, टेक्स्चर, हर चीज़ इन्हांस करके रखती है, वो भी लंबे टाइम। बेसिकली जो बॉटम बेस होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ऊपर आप नोटिस करना, जो टॉप पार्ट है उसी में आप एक्स्ट्रा चटनी लगाना, भर के चटनी लगाना यहीं पर ही, और इस चटनी और टिक्की के बीच में जो मॉइस्चर बैरियर होता है वो बेसिकली टमाटर या प्याज ये है। तो अब देखो, मैंने सबसे नीचे वाले बन में यहाँ पर टिक्की रखी है, इसके ऊपर अपना सैलेड रखा है, प्याज और टमाटर, और फिर इसको कवर किया है चटनी से। खैर दोस्तों, हमारा तवा टिक्की बर्गर बनके पूरा तैयार है। आप इसको बना कर देखना, चटपटा सा बर्गर है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा सा चाट मसाला डालना बिल्कुल मत भूलना, दोनों साइड अच्छे से डाल देना, बहुत अच्छा लगता है। और बस दोस्तों, आपका तवा टिक्की बर्गर बनके पूरा तैयार है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और सुबह सच में आप इसको जल्दी भी बना सकते हो।